टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आज यानी 8 फरवरी को 60 साल के हो गए हैं। वह एक सफल क्रिकेटर थे। अजहर द्वारा मैदान में बल्ला घुमाने की जितनी चर्चा होती थी उतनी ही सुर्खियों में उनकी पर्सनल लाइफ भी रही है। इस क्रिकेटर ने 2 शादियां की और दोनों ही चर्चा में रही। पहली शादी से तलाक देने पर अजहर ने इतनी बड़ी रकम चुकाई थी कि इसे देश का सबसे महंगा तलाक कहा गया था। दरअसल संगीता बिजलानी से शादी करने के लिए अजहर ने अपनी पहली पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया। उस वक्त अजहर को तलाक के हर्जाने के रूप में नौरीन को करीब 1 करोड़ रुपए देने पड़े थे। इस तलाक को उस वक्त देश का सबसे महंगा तलाक माना गया था। हालांकि अजहर का रिश्ता संगीता के साथ भी नहीं चल सका। साल 2010 में अजहर संगीता के बीच भी तलाक हो गया।